शाइन बाग को मिनी पाकिस्तान बताकर कपिल मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में मॉडल टाउन से प्रत्याशी हैं और उन्होंने गुरुवार 23 जनवरी को एक ट्वीट के जरिए सीएए का विरोध कर रही पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां शाइन बाग को मिनी पाकिस्तान बना रही हैं, जिसका जवाब हिंदुस्तान की जनता दिल्ली की सड़कों पर 8 फरवरी को देंगी। इस ट्वीट की खबर लगते ही विपक्षी पार्टियों ने आपत्ति जताते हुए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी, जिसके तुरंत बाद चुनाव आयोग एक्शन में आया और कपिल मिश्रा को ये ट्वीट डिलीट करने को कहा गया। साथ ही चुनाव आयोग ने कपिल मिश्रा के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया, लेकिन कपिल मिश्रा ने कहा कि मैंने सच कहा है, मैं सच कहने से क्यों डरूं, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने ट्विटर को कपिल मिश्रा की ट्वीट डिलीट करने के निर्देश दिए। साथ ही दिल्ली पुलिस को भी कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस ने बताया कि कपिल मिश्रा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए शाहीन बाग में मिनी पाकिस्तान बनाने का जिम्मेदार बताया है। हालांकि अब कपिल शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और चुनाव आयोग ने कपिल मिश्रा के ऊपर चुनाव प्रचार करने के लिए 2 दिन की पाबंदी भी लगा दी है।